गाइस यार हम लोग फिर से लेट हो गए। हमें शिनशान को लेने स्कूल जाना है। एक काम करता हूँ, चॉप को जाके बोलता हूँ। चॉप चल जल्दी मेरे साथ। और ऊपर जाना कहाँ पर है? अरे यार तू भूल गया क्या? शिनशान को लेने स्कूल जाना है। आप अभी तक उसे लेके नहीं आए, उसका टाइम तो कब का होके गया? अरे यार मैं भूल गया, छोड़ना आप चल जल्दी से। जल्दी जल्दी आ जा मेरे पीछे। गाइस यार पता नहीं मैं रोज ऐसा क्यों करता हूँ, मेरे दिमाग से निकल ही जाता है कि शिनशान को लेने स्कूल भी जाना होता है। आज हम लोग कौन सी गाड़ी में जाए? एक काम करते हैं, ये बीच वाली में जाते हैं। आ जा चॉप जल्दी से। तो गाइस यार जल्दी जल्दी जाते और गाड़ी को भगाते सीधा शिनशान के स्कूल की तरफ। मैंने ये वाली गाड़ी जानबूझकर ली है ताकि शिनशान इसे देख के खुश हो जाए और हम पे थोड़ा कम गुस्सा करे भाई। वैसे गलती है भी हमारी, रोज रोज ऐसा करूंगा तो कोई भी बच्चा गुस्सा हो जाएगा। अब तो हो ही भुलक्कड़, आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। सबसे पहली बात तो चॉप तू तो घर पर ही बैठता है ना, तेरे को क्या करना? तू मुझे क्यों चिल्ला रहा है? और ये क्या बात हो गई? शिनशान को मैं उतना ही प्यार करता हूँ जितना आप करते हो, तो मेरा भी पूरा हक बनता है। हाँ चल ठीक है ठीक है। वैसे भी हम लोग इसके स्कूल पर पहुँच गए। ये देखो अकेला खड़ा है आज भी, सारे बच्चे चले गए। अरे ये क्या फ्रैंकलिन भैया, आज भी आप लेट कैसे हो सकते हो? ये तो आपके रोज का हो गया है, अभी मुझे आप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अरे यार मैंने बोला ना सॉरी, हो जाता है कभी कभी। कभी कभी ये आपके रोज का है, अब तो मैं आपसे थक गया हूँ, पर मैं कहीं पर जा भी नहीं सकता ना, इसलिए फंस गया। एक मिनट रुक जा, तो टोनी का फोन आ रहा है। हाँ बोल टोनी। फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ पर आना होगा। अरे पर हुआ क्या? तुम बस यहाँ पर आ जाओ, एक इमरजेंसी आ गई है। अच्छा ठीक है रुक मैं आता हूँ। अरे ऐसा भी क्या हो गया, आप इतनी स्पीड में गाड़ी की भगा रहे थे? शिनशान तुझे बहुत जल्दी पता चल जाएगा, टूनी ने मुझे इमरजेंसी में बुलाया है, अब पता नहीं क्या बात होगी। अरे कोई बात नहीं, अंदर जाके पूछ लेना, अब गाड़ी को रोको। अच्छा ठीक है रोकता हूँ। तुझे क्या लगा था तू नहीं बोलता तो क्या मैं दीवार में घुसा देता? अब आ जाओ मेरे पीछे जल्दी जल्दी। पता नहीं गाइस ऐसी भी क्या बात हुई होगी। वो खड़ा टोनी, क्या हुआ भाई इतना डरा हुआ क्यों है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, हमें उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा। प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम? बताएगा तो पता चलेगा ना। फ्लैश के सारे सूट चोरी हो चुके हैं, उसे रिवर्स फ्लैश ने चुरा लिया है और उन सारे सूट को अलग अलग जगह पर रखा है। अलग अलग जगह पर? इसका मतलब मुझे सारे सूट वापस लेके आने। अबे क्या यार। बस इतना ही नहीं, तुम्हें जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि सारे सूट में उसने एक चिप लगा दी है जिसमें एक टाइमर लगा है। अगर वो टाइमर पूरा हो जाता है तो वो सूट एक इविल सूट बन जाएगा। उसमें कुछ अच्छे सूट भी है तो कुछ सस्ते सूट भी है, सबकी पावर अलग अलग है। अबे यार मुझे कोई और काम धंधा नहीं है क्या? अब उसके सूट ढूंढने जाऊं मैं? अरे क्या फ्रैंकलिन भैया चले जाओ ना, वैसे भी आप पूरे दिन घर पर करते ही क्या हो। हाँ वैसे शिनशान बोल तो सही रहा है। अच्छा ठीक है जाता हूँ, टोनी मुझे सारी लोकेशन भेज देना। पता नहीं गाइस यार क्या क्या करना पड़ता है। सोच रहा हूँ किसी जगह जॉब ही कर लूँ, कम से कम ये सारी चीजें तो नहीं करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये सारे काम मुझे पसंद नहीं है, पर ये बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो गाइस यार जल्दी जल्दी जाते हैं। हम लोग तो एक पहाड़ में पहुंच गए और उसकी लोकेशन तो ये आसपास से ही आ रही है, बस थोड़ा सा बाकी है। एक मिनट वापस से टोनी को फोन करता हूँ। हेलो टोनी, तुम्हें सच्ची में लगता है कि वो सूट यहाँ पर होगा? हाँ मुझे पक्का पता है, मुझे उसकी लोकेशन यही कहीं से आ रही है, तुम्हें उसे ढूंढना होगा। गाइस यार उसकी लोकेशन तो यहाँ पर आके खत्म हो गई। कहाँ पर हो सकता है? अबे यार यहाँ पर तो एक टनल है, पर ये तो लॉक है, अब इसके अंदर जाएंगे कैसे? यहाँ पर तो लिखा हुआ भी है स्ट्रिक्टली नो एंट्री, पर जब टोनी ने हमें बोल दिया तो हमें किसके परमिशन की जरूरत है? गाइस अब जल्दी से इसे खोलना होगा और उसके लिए है मेरे दिमाग में एक प्लान, थोड़ा विस्फोटक प्लान है। तो जल्दी से बॉम्ब लेते हैं और इस दरवाजे पे लगा देते हैं, यही सबसे बेस्ट आइडिया है, जब खुलेगा नहीं तो उड़ेगा, पर मैं अंदर जाके रहूंगा। चलो ये बॉम्ब लगा दिए मैंने, एक और लगा देते हैं सेफ्टी के लिए। चलो मुझे लगता है इतना बहुत है, अब जल्दी से जाके गाइस दूर हो जाते हैं वरना हम भी साथ साथ में ब्लास्ट हो जाएंगे। इस पेड़ के पीछे जाके खड़ा हो जाता हूँ। सो 1, 2 और 3 बूम बूम। भाई साहब अब ये हुई ना बात गाइस, अब जल्दी जल्दी अंदर जाते और जाके वो सूट ढूंढते हैं। पता नहीं है इसी जगह कौन सा सूट छुपाया होगा, काश के कोई अच्छा सूट हो ताकि वो पहन के मुझ में और ज्यादा पावर आ जाए। भाई साहब गाइस यार यहाँ पर तो बहुत ज्यादा अंधेरा है, मुझे ऐसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ हो सकता है? यहाँ पर तो दो रास्ते, लेफ्ट जाओ या राइट जाओ। एक काम करते है गाइस, पहले तो टॉर्च ऑन कर लेते हैं वरना कुछ दिखेगा ही नहीं। एक काम करते है लेफ्ट से जाता हूँ, नहीं नहीं राइट से जाते हैं, मैं कंफ्यूज हो गया, अब चलते जाता हूँ। जिस रास्ते पे निकल गया बस निकल गया। फ्लैश के सूट कहाँ पर है तू? यहाँ पर एक और राइट है गाइस, यहाँ अंदर जाके देखते हैं, यही चले जाते यही बेस्ट रहेगा, वो सूट यही कहीं पर होना चाहिए। जल्दी 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 कहाँ जा सकता है भाई, ये रास्ता कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं है। ओ ओ ओ ओ ओ, ओ, ओ यहाँ पर एक और राइट है। एक मिनट ये क्या? गाइस यार ये तो फ्लैश का सूट ही है, पर ये कुछ ज्यादा ही सस्ता वाला नहीं लग रहा है, ये सूट भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कोई खिलौना है। पर गाइस हम लोग चांस नहीं ले सकते, हमें इस सूट को भी लेके जाना ही होगा, और सबसे बेस्ट तरीका है सूट को लेके जाने का कि इसे पहन के लेके जाओ। तो जल्दी से इसे पहन लेते हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। बूम भाई साहब हम लोग बन चुके हैं खिलौना वाला फ्लैश, पर ये असली है या नकली ये पता कैसे करूं? ओ भाई 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 गाइस यार गजब, मतलब ये सूट असली है, हम लोग स्पीड भाग सकते हैं। तो अभी हमें जाके बाकी के सूट लेने, पर अभी हमें
गाड़ी का कोई काम नहीं है क्योंकि हमारी स्पीड तो इससे ज्यादा है, इससे पहले मैं वहाँ पर पहुँच सकता हूँ। तो जल्दी जल्दी निकलते हैं। टोनी मुझे दूसरी लोकेशन भेज। हाँ मैं पता ही कर रहा हूँ, बस एक मिनट रुक जाओ, उसकी चिप अच्छे से काम नहीं कर रही है। ये अभी मुझे सिग्नल मिल गया, ये रही उसकी लोकेशन। अच्छा ठीक है भाई, गाइस मजा आ रहा है मुझे। नॉर्मली तो ऐसे स्पीड भाग नहीं सकते हम लोग, इससे ही मजे ले लेते हैं। चलो लोकेशन पर तो मैं पहुंच गया, मुझे लगता है सूट ऊपर होना चाहिए क्योंकि नीचे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ते। भाई 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 यहाँ पर तो बहुत सारे गुंडे, और मुझे लग रहा है कि इन्होंने मुझे देख लिया है। अब यार सूट ढूंढने आ गया था, क्या मिल गया, मैं सूट ढूंढने आया था, इन्होंने मुझे ढूंढ लिया। अब ये लो क्या कर रहा हूँ मैं, ज्यादा स्पीड में निकल रहा था ना तो समझ में नहीं आया। अब इसको पेलते गाइस, धनादन धनादन धनादन। अबे पीछे से आ रहा है, ये ले और फेस पे। क्या लगा रहेगा, सारे दांत टूट गए होंगे इसके। गाइस यार इसकी पावर इस्तेमाल करने का मजा अलग ही है। अबे पास कहाँ पर आ रहा है, देखो बुलाया था क्या मैंने, इन्हें थोड़ी राइड कराते गाइस। अब क्या उड़ रहे ये लोग भाई साहब, मजा आ गया, ये कमाल हो गया है। चलो गाइस, और ये गया, अब ये खा, क्या बात है, इसे बोलते हैं ना कमाल धमाल। अब जल्दी जल्दी गाइस ऊपर चलते हैं और जाते हैं देखते हैं वो सूट कहाँ पर है, यही कहीं पर होना चाहिए। ये रहा, हमें सूट मिल गया है गाइस। तो जल्दी से इसे पहनने की बारी है। ये वाला थोड़ा सूट लग तो रहा है क्योंकि जो मैंने पहना है ना, कसम से मुझे कोई कार्टून ही समझेगा। अब जल्दी से जाके पहनते इसे। अब आएगा ना असली मजा भिड़ू। क्या बोलते हो गाइस, कैसा लग रहा हो, जल्दी से कमेंट करके बताओ, और कोई भी बुरा कमेंट नहीं करेगा क्योंकि आपका भाई लग ही रहा है स्मार्ट स्मार्ट बॉय। वैसे अभी हमें जाके अगला सूट ढूंढना है तो टाइम पास बंद करते हैं, जल्दी जल्दी जाते हैं। हो भाई साहब, गाइस यार असली वाली फील आ रही है ना, वैसे उस सूट की लोकेशन अभी तक आई नहीं है मेरे पास। टोनी यार क्या कर रहा है, जल्दी भेजना, तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, मैंने तुम्हें कब की भेज दी है, तुम देखते ही नहीं हो। अच्छा ऐसा ही क्या, लोकेशन तो आ गई है पर वो मिलिट्री बेस की है। तो जल्दी जल्दी पहुंचते वहां पर, और हम लोग पहुंच गए। भागते भागते मैं यहाँ पर आ गया, मुझे पता भी नहीं चला। ये वाला थोड़ा रिस्की हो सकता है गाइस, मैं नहीं चाहता कि मैं किसी भी मिलिट्री वाले को नुकसान पहुंचाऊं क्योंकि वो हमारे देश की सेवा करते हैं। तब जल्दी से जाते हैं। अबे नहीं नहीं, सूट की पावर काम क्यों नहीं कर रही। आउच, 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 भाई यार ये गड़बड़ हो गई, इस सूट के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है। यहाँ पर छुपता हूँ, कोई देख तो नहीं रहा है हमें। नहीं 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 नहीं, चलो चलो जल्दी जल्दी छुपके से आराम आराम से आगे बढ़ते गाइस। अब यहाँ पर भी कोई नहीं है, चलो चलो यही हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। ये काम करते गाइस ऊपर चढ़कर देखते हैं, वहां से हमें पता चल जाएगा कि मेरा सूट कहाँ पर है। तो फटाफट, और ये हम लोग पहुंच गए। अब हमें चारों बाजू नजर घुमानी है कि हमारा सूट कहाँ पर हो सकता है, और एक बात का और ध्यान रखना है कि हमें मिलिट्री वालों के नजर में नहीं आना है। गाइस यार वहां से तो कुछ नहीं दिखा, मुझे थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा। क्या है यार ये वाला सूट ढूंढने में बहुत ज्यादा मुसीबत हो रही है। गाइस यहाँ पर एक जन है हमारा, आराम से चल के। चलो ये चीज तो क्रॉस हो गई, अब पता नहीं वो लोग कहाँ पर होंगे। एक काम करता हूँ, इस बार यहाँ से ऊपर चढ़ के देखता हूँ और ऊपर ऊपर से जाऊंगा, जल्दी किसी को पता भी नहीं चलेगा। चलो चलो चलो। अबे यार ये पतरे की आवाज आ रही है। नहीं 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 नहीं, ऊपर चढ़ना होगा। हाँ यार कितने जोर जोर से बज रहे थे, अभी तो ढिंडोरा पीट देते। अब देखते हैं यहाँ से सूट कहाँ हो सकता है, यहाँ पर भी नहीं है। गाइस 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 मुझे दिख गया वो रहा, ये तो एक फ्यूचरिस्टिक सूट है, दूर से दिखने में तो कमाल का लग रहा है, और पता नहीं सूट कैसा होगा। तो जल्दी से उसके पास जाके देखते हैं। ओह भाई थोड़ा सा छुप छुप के जाना पड़ेगा। चलो अब यही टाइम है यहाँ से निकलने का। काम करता हूँ इस साइड से होकर जाता हूँ, हम लोग फटाफट पहुंच जाएंगे। अभी नहीं 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 नहीं, यहाँ पर एक गार्ड खड़ा है, मतलब कि मिलिट्री वाला। चलो 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 जाना भाई, यार कितने देर खड़ा रहेगा। अबे यार ये लोग तो है ना बहुत ज्यादा ही बीच में आ रहे। चलो गाइस फाइनली गया, यही मौका है हमारे पास। ये रहा वो सूट, हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो जल्दी से जल्दी जितना हो सके ना उतना ये सूट पहन के यहाँ से निकलते हैं। और ये मैंने पहन लिया, वाह गाइस। वैसे ये वाला सूट मुझे पहले वाले सूट से ज्यादा कूल लग रहा है, कितना ढासू है दिखने में और डरावना भी है। अब अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके यहाँ से निकलते हैं, और ये हमें किसी ने भी नहीं देखा। भाग भाग के पहुंच जाऊंगा, हमें किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है। डूड मेरी बात सुनो, लास्ट वाले सूट की लोकेशन मुझे पानी के बीचों बीच से आ रही है, मतलब समुंदर में से। अच्छा ठीक है, गॉट इट, मैं ढूंढ लूंगा। गाइस आखिरकार हम लोग पानी के पास पहुंच गए हैं, और हियर वी गो। फ्लैश के सूट की सबसे खास बात मुझे यही लगती है कि हम लोग पानी पे दौड़ सकते हैं। भाई कितनी ज्यादा कूल चीज है ये। अब थोड़ा सा जादू दिखाते हैं और सूट को ढूंढते हैं। एक तो ये समुद्र बहुत ज्यादा बड़ा है। गाइस गाइस यहाँ पर एक यार्ड है, पक्का इसके अंदर होना चाहिए। जल्दी जल्दी उसके पास पहुंचते हैं। अबे 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 पहुंच जाऊं।
चलो अब यहाँ पर मुझे चेक करते हुए जाना पड़ेगा। ओ यहाँ पर गाड़े गाड़े गाइस, तो हम लोग आराम आराम से इन्हें निपटाएंगे। और ये गया सीधा हेडशॉट, मतलब के हाथ से। गाइस यार हमें इसकी गन चाहिए होगी क्योंकि बाकियों को मारने में वो काम आएगा। अगर हमने अपने पावर का इस्तेमाल किया तो सबको पता चल जाएगा। चलो इसकी गन तो ले ली है, अब जाके अपने सूट को ढूंढते कहाँ पर हो सकता है। यहाँ पर भी गार्ड है गाइस, इसे आराम से मारना होगा। हम एक एक गोली का इस्तेमाल करेंगे। ये गया और ये दूसरा। चलो ये निपट गया, अब चुपचाप आगे बढ़ते हैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है। चलो रास्ता साफ है, वैसे इसको देख के लग नहीं रहा है कि ये पानी के बाहर उल्टी कर रहा है। चलो अब किसी को शक भी नहीं होगा, अच्छी बात है। तो सूट कहाँ पर हो सकता है यार, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ओ यहाँ पर छुपना होगा, यहाँ पर एक गार्ड है। चलो बच गए, अब इसकी बारी है, आराम से निशाना लगाएंगे गाइस। और ये गया। ओ उप्स, क्या भाई साहब, ये कोई तंबाकू थूकने की जगह है? ऐसा कौन करता है खुद की बोट में, लापरवाह गाइस। बच गए। ये गया सीधा पिछवाड़े पे, अब दो चार दिन पॉटी नहीं कर पाएगा अगर जिंदा रहा तो। वैसे यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है तो अपना सूट और भी ज्यादा चमक रहा है। अब ये डबल कुल हो चुका है गाइस, तो अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया प्लीज कर देना। यहाँ पर एक है और ये भी गया। अबे यार मेरा निशाना पिछवाड़े पे क्यों लग रहा है। चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, अब यहाँ से सीधा अंदर जाते हैं। अबे सूट कहाँ पर है, कहाँ छुपा लिया? ये शिप तो कुछ ज्यादा ही लग्जरी है। इंटीरियर देखा आपने, यहाँ पर सीढ़ियाँ है। अगर गाइस यहाँ ऊपर नहीं हुआ ना तो मैं टोनी को छोड़ूंगा नहीं। भाई, यहाँ पर एक और गार्ड है और हमारा सूट भी यहीं पर है, अब इसे निपटाते हैं। यार ये गया, वो कमाल कर दिया गाइस हमने, आखिरकार हमने इस सूट को भी ढूंढ लिया है। तो बिना किसी देरी के से पहन भी लेते हैं, पर ऐसे नहीं, अभी भी बहुत जनों ने लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जल्दी से करो 1 2 3 गाइस। हम लोग काले से गोरे हो चुके हैं। हाँ पर ये सूट भी डरावना ही है, जरा देखो तो सही इसकी शक्ल। चलो चलो अब यहाँ से बाहर निकलते जल्दी जल्दी, हमारे पास गाइस यही मौका है। फटाफट जाएंगे पानी में और पानी से चलते हुए सीधा। ये सूट है तो वाइट और मुझे डार्क वाइब दे रहा है। फ्रैंकलिन तुमने सारे सूट ढूंढे या नहीं, या फिर अभी भी टाइम पास कर रहे हो? वो सूट तुमसे दूर जाता ही जा रहा है। अबे यार मुझसे दूर कैसे जा रहा है, मैं तो वो सूट पहन के भाग रहा हूँ। ओ ऐसा है क्या, सॉरी मैं पहुंच रहा हूँ कुछ ही देर में। गाइस हम लोग काफी ज्यादा नजदीक पहुंच चुके हैं, शॉर्टकट से जाएंगे हम लोग। हमारे पास फ्लैश का सूट है, सूट तो नहीं है सूट है, कभी कभी हो जाता है। चलो फाइनली यहाँ पर पहुंच चुके हम लोग और वो रहा टोनी शिनचैना और चॉप। तो गाइस क्या बोलते हो, आखिरकार मैंने सारे सूट्स को बचा ही लिया, इसके लिए कोई इनाम विनाम मिलेगा या नहीं? ये तुम्हारा काम है, इसके लिए तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, समझा मेरी बात, खाली शाबाशी मिलेगी। चलो आप हमारे कुछ तो काम आए, अभी हम आपको एक दो दिन तक निकम्मा नहीं बोलेंगे। छोड़ो गाइस, तो ये रहे वो सारे सूट जो मैं लेके आया हूँ। वैसे पहले वाला मुझे अभी भी नहीं पसंद, बहुत ही अजीब सा है। तो चलो आज के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। मैं मिलूंगा आपसे अपने अगली वीडियो में। जय हिंद।